नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सो हे गाइस, हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन अभी महाकालेश्वर के लिए, तो मिलते हैं गाइस। हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं और हर पेरेंट्स की तरह हमारे पापा भी हमें जल्दी स्टेशन ले आए थे। हमारी ट्रेन 9:50 की और हम 8:30 पहुँचे। हमारी ट्रेन चल चुकी है, मौसी है, कज़न है और भी कज़न है, अभी मेरी बड़ी मम्मी उधर है, वही दिखाऊंगा आपको वो भी, ठीक है। गाइस सब कज़न मिल रही है, ये देखो मेरा हेलो करना आई तो मुझे आ रहा है ये चाची बड़ी मम्मी। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बाकी सब ये थे। इस व्यू देख लो, हम उज्जैन स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी हम होटल में चेक इन करेंगे और क्या बोलते हैं कि उसके बाद हम महाकालेश्वर के लिए दर्शन करने जाएंगे। गाइस तो हम होटल में चेक इन कर चुके हैं, मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ, देखिए हमारा होटल है, 3 डबल बेड वाला रूम है, अभी हमने बजट फ्रेंडली किया है, देखिए टीवी पे गाने चल रहे हैं, बाकी आपको और दिखाता रहता हूँ मैं आगे क्या होता है। तो गाइस तैयार हो गया हूँ, यार का गेटअप है मेरा और बाकी लोग भी तैयार हो गए हैं। मेरी मौसी, हेलो बोलो मौसी, मेरी बहन हेलो, ये मेरी बड़ी मम्मी हेलो, मम्मी ये अभी तक तैयार हो रही है, सबसे लेट है, हेलो बोलो। सो हम मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए हैं और हम होटल से निकल के हैं, अब हम महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। तो गाइस मैंने टीका लगा दिया है, देख सकते हो, अब हम मंदिर की लाइन में दर्शन करने के लिए खड़े हो गए हैं, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो अब हम जाएंगे, अभी लाइन की भीड़ में लगेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, जय महाकाल। तो गाइस हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये देखो टीवी से दर्शन कर लीजिए अभी महाकाल के, अंदर पता नहीं फोन अलाउड होगा कि नहीं। सो गाइस मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने महाकाल के दर्शन के लिए 250 का टिकट लिया था, पहले 750 का टिकट भी मिलता था बट वो ड्यू टू सम रीजंस क्लोज कर दिया गया है। आपको 250 के टिकट में भी फर्स्ट लाइन से दर्शन होते हैं और दर्शन बहुत आराम से और बहुत अच्छे से करवाए जाते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, रश में भी आपको अच्छे से दर्शन होंगे और आप काफ़ी अच्छे से महाकाल को बहुत पास से देख पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू बिलीव दोस्तों, दुष्यंत नाम का ना एक असुर था जिसको अपराजय का वरदान था, मतलब उसे ना कोई नहीं हरा सकता था, तो हर डेमन की तरह वो भी अपनी पूरी सेना लेके हर जगह तबाही मचा रखा था, सबको परेशान कर रखा था, तो वही फिर उसको हराने के लिए भगवान शिव जी ने अपना महाकाल रूप लिया था और ये 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल हमारे इंडिया में, जिसमें से सिर्फ महाकालेश्वर ऐसा शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जो दक्षिण मुखी है यानी साउथ फेस करता है, बाकी सब सेम डायरेक्शन में है। गाइस यहाँ फोन के लिए मना कर रहे हैं लेकिन हम सीक्रेट से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देखिए कितनी भीड़ है, मैं आपको बताता हूँ, कितने लोग दर्शन करने आए हैं। सो गाइस जो ये आप लोग सामने देख रहे हो ये गर्भगृह है और इसमें महाकालेश्वर शिवलिंग है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे यहाँ भस्म आरती होती है और जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और इसकी फ़ीस भी अलग से ही है और यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है और हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था तो हमने दर्शन नहीं किए। हमारे महाकाल के दर्शन हो गए हैं और अब हम जाएंगे कहीं और दर्शन करने, आप देख सकते हैं कितना क्राउड है। महाकाल का मंदिर है, ये हमारी बहन रूस गई है, मेरी एक कज़न नहीं आई थी अब तक ब्लॉग में, तो बोलो अब ये आ गई है, अब आगे बात दिखाएंगे इनको ब्लॉग में। गाइस हम ये श्री गणेश बड़ा मंदिर आए हुए हैं, गणेश बड़ी मूर्ति, और उसी मंदिर के अंदर का है श्री गणेश बड़ा मंदिर का। ये भगवान मारुति नंदन चमकी उजरंग वाली, ये गणेश जी का पूरा परिवार
ना। सो गाइस हमने आगे के मंदिर जाने के लिए गाड़ी बुक कर ली है, हम आगे के मंदिर इसी गाड़ी में जाएंगे और गाड़ी हमारी ऐसी है, बजट फ्रेंडली है तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब आगे के मंदिर हम देखना। सो गाइस हम श्री मंगलनाथ मंदिर जा रहे हैं, कहते हैं यहाँ भगवान मंगल का जन्म हुआ था। अब हम मंगल के दर्शन करने जा रहे हैं और आपको भी कराएंगे ये राम मंदिर। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यज्ञ हो रहे थे और ये यज्ञ मंगल दोष को मिटाने के लिए किए जा रहे थे। जिनकी भी कुंडली में मंगल दोष या मंगल भारी होता है वो यहाँ आके यज्ञ करवा सकते हैं। यज्ञ की फीस अलग अलग थी कि जैसे जिसका दोष ज़्यादा भारी हो या ज़्यादा वो, तो उनमें ज़्यादा मंत्र लगते हैं और ज़्यादा पंडित लगते हैं, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं फीस ज़्यादा थी, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं होती है। फिर हम दर्शन करने के लिए ऊपर चले गए थे क्योंकि मंदिर थर्ड फ्लोर पर था। उसके बाद हमने लाइन लगाई थी, यहाँ पर लाइन में हमें 1.5 घंटा लग गया था खड़े खड़े अपना दर्शन का वेट करने के लिए। अभी मंदिर जैसा आप देख सकते हैं मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी भी मंदिर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन बाकी है। फिर हमने दर्शन के लिए अपने नंबर का वेट किया और हमारा वेट नंबर आ गया था। जैसा आप देख सकते हैं कि ये रहा मंगलनाथ मंदिर, भगवान मंगलनाथ शिवलिंग के रूप में है यहाँ पर, कि वो शिवलिंग है। गाइस हम भगवान श्री काल भैरव के मंदिर आ गए हैं, यहाँ भी क्राउड है बहुत सारा, एज यू कैन सी। अरे मेरे घर वाले कहाँ गए, वो जा रहे आगे, मैं फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ, जाएंगे हम दर्शन के लिए। सो फ्रेंड्स जो ये आप देख रहे हैं ये भगवान काल भैरव हैं, ये माता सती के शक्ति पीठों की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि जहाँ जहाँ माता सती के पिंड गिरे थे वहाँ वहाँ भगवान काल भैरव माता की रक्षा करते हैं। सबसे बड़ा जो काल भैरव का मंदिर है वो काशी विश्वनाथ में है। सो गाइस हम महाकाल कॉरिडोर में घूमने जा रहे हैं, ये देखो रात में महाकालेश्वर टेम्पल का व्यू, थोड़ा सा जूम करते अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं कितना सुंदर है महाकाल कॉरिडोर व्यू। ये देखो भाई ऐसा कॉरिडोर अभी बन रहा है, बाकी लाइटिंग बहुत सुंदर है यहाँ पर। सो गाइस हम सबसे लास्ट में महाकाल कॉरिडोर घूमने आए थे, जब तक हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे जिसकी वजह से हमने पूरा कॉरिडोर भी नहीं घूमा था। इसके बाद हम लोग होटल चले गए थे, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम ओमकारेश्वर के लिए निकल गए थे, जो कि आपको व्लॉग के पार्ट 2 में मिलेगा देखने के लिए। जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।